कलीम ग्रुप एक ऐसा नाम है जो पिछले चंद सालों में एक भरोसेमंद ब्रांड बन चुका है। खासतौर पर रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में कलीम ग्रुप ने एक अलग पहचान बनाई है। और चूंकि रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और ये महीना है एक दूसरे के साथ खाने और खिलाने का, तो इस दौर में फिर भला कलीम ग्रुप कैसे इसमें पीछे रह सकता है। मंगलवार को महानगर के मौली के पास कजार होटल में कलीम ग्रुप की ओर से एक शानदार दावते इफ्तार और डिनर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के हर स्तर के लोग उपस्थित हुए। सभी ने कलीम ग्रुप को एक ट्रस्टेड बिजनेस ब्रांड बनने पर इनके ओनर्स को मुबारकबाद पेश की। वहीं ईद के पेश नजर एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर कलीम ग्रुप की ओर से आजाद तनवीर कलीम, फिरदौस कलीम और तौसीफ कलीम ने सभी मेहमानों का वेलकम किया। वहीं इस मौके पर शादाब शहजादा, तौसीफ रहमान, परवेज रजा, एहतशामुल हक और अशरफ हैदर समेत सैकड़ों की संख्या में लोग यहां मौजूद रहे। दावत इफ्तार के बारे में सब लोगों को दावत दिए, हम लोग सब आए, सब शिरकत किए, ये बहुत मेहरबानी उन लोगों का, सभी का शुक्रिया अदा है। सभी के लिए दिल से दुआ है जो सब आए, शिरकत किए और ख़ास करके साथ रहें, साथ में इफ्तार किए। ये तो अल्लाह ताला का आजमाइश है हम मुसलमानों के लिए, इस तभी वाली गर्मी में रोज़ा रखें और एहतराम करें। मुसलमानों का ईमान हमेशा से मजबूत है, मजबूत ही रहेगा इंशाल्लाह। सबसे ताल्लुकात है, नॉन मुस्लिम से भी ताल्लुकात है, मुस्लिम तो है ही हैं, तो सबसे ताल्लुकात है, सभी आएंगे, सभी शिरकत करेंगे, मोहब्बत का ये पैगाम है। थैंक यू। इफ्तार पार्टी जो ये एक ट्रेंड है, ये सब लोगों को एक छत के नीचे लाकर यूनिटी का पैगाम देने का ये मौका होता है। और आज कलीम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तरफ से जो इफ्तार पार्टी का जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, आज़ाद कलीम साहब हैं, उनके भाई हैं, इन लोगों ने हमेशा ही डाइवर्सिटी और कौमी एकजहती का मिसाल पेश किया है। अभी हाल फिलहाल मिलाप एक प्रोग्राम उन्होंने किया था ITC सोनार बांग्ला में भी, और आज भी जो इफ्तार पार्टी है वो इसी चीज़ का मैसेज है कि आपसी मिल्लत से, आपसी यूनिटी से हम लोगों को रहना है, और इसी तरह मगरी बंगाल के सरजमी पर रहना है और एक मिसाल पेश करना है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि कहीं कुछ भी हो लेकिन मगरी बंगाल में हम एक साथ रहते हैं, मगरी बंगाल में सब हम त्यौहार एक दूसरे का मनाते हैं और आपसी मिल्लत से रहते हैं। यही पैगाम पहुँचाने की आज कोशिश बहुत अच्छा है, और ये हर साल होता है कलीम ग्रुप की तरफ से, और गुज़िश्ता 6 सालों से हम कलीम ग्रुप के साथ हैं, कलीम ग्रुप के साथ हम लोग आते हैं, और ये हम लोग के लिए समझ लीजिए एक तरीके से एक गेट टुगेदर होता है कि एक बड़ा भाई छोटा भाई से मिलता है, तो एक परिवार जैसा है हम लोग इसी के लिए इफ्तार एक साथ करते हैं। भाई बहुत बढ़िया बात है, मुबारक महीने में लोगों को बुलाना, साथ में बैठना, और अच्छा है, और जो लोग कर सकते हैं उनको करने चाहिए। यही बहाने आप अपने दोस्त अहबाब से मिलते हैं, बुलाते हैं, नेक काम है, बढ़िया है, मेरे तरफ से उनको मुबारकबाद, ऑल द बेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार एवरी डे हो रहा है और हर जगह हो रहा है, और गुड्डू भाई कोई नई बात नहीं है, गुड्डू भाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छा अच्छा अफ्तार दे रहे हैं और काफ़ी समाजी काम भी कर रहे हैं, पोल्टू भाई भी काफ़ी समाजी काम कर रहे हैं, और दुआ यही रहेगी कि ये सारा जो नफ़रत है और जो अमन चैन का जो मैसेज है यार अफ्तार में जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है देखिए कि इलाहाबाद में जो कांड हो रहा है, जो मुसलमान के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वही चीज़ बंगाल में सारी उल्टी नदी बह रही है। यहाँ पे लोग अफ्तार तो दे रहे हैं, अपने कौम के लोग भी बुला रहे हैं और गैम कौर के लोग भी आ रहे हैं, तो आप देखिए किस खूबसूरती से अफ्तार चल रहा है, ज़मीन पे बैठ के कोई लोग लैविश अफ्तार दे रहे हैं, कोई लोग गरीबों को अफ्तार दिलवा रहे हैं। बड़ी बात यही है कि मैसेज बहुत सिंपल है, अमन चैन के साथ रहना है, आने वाले कल में दुर्गा पूजा भी आने वाला है, उसको भी साथ में ही सेलिब्रेट करना है, दिवाली आने वाली है साथ में ही सेलिब्रेट करना है, इसी तरीके से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बंगाल में अमन और चैन बना रहेगा। जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं उनको अल्लाह लानत भेजे ऐसे लोगों को जहाँ अमन चैन बिगाड़ रहे हैं, बाकी दीदी है तो सब कुछ मुमकिन है और इंशाल्लाह सब कुछ चैन से अमन से रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि शिद्दत सख्ती से भी है मगर जो मोमिन है अल्लाह ताला से जो डरता है वो कभी खौफ नहीं खाता, चाहे जितनी भी शिद्दत हो अल्लाह के फ़राइज़ को तो वो बिल्कुल अदा करेगा ही। और ये भाई कलीम ग्रुप, अल्लाह ताला बेपनाह उन पर फजल फरमाए कि उनके तमाम भाइयों ने ये जितने बड़े काम अंजाम देते हैं साल में, और ऐसे भी उन लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहा कि कौम के लिए कुछ ना कुछ वक्त ज़रूरत पड़ती है तो वो खड़े होते हैं। जनाब
फिरदौस अलहाज फिरदौस कलीम साहब, आजी आज़ाद तनवीर कलीम साहब, उनके छोटे भाई तौसीफ़ कलीम, और यकीनन वो लायक सद मुबारकबाद हैं कि इतने लोगों को अल्लाह के नेक बंदों को दावत में बुलाना, फिर नमाज़ें अदा करना और गरीब परवर लोगों की कफालत का भी कभी कभी इंतज़ाम करना, तो ये बहुत बड़ी बात है मोमिन के लिए और मुसलमान के लिए ख़ासकर कि ये अल्लाह ताला इनके वालिद का साया और इन बच्चों पर कायम रखे, इसलिए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बेफजली ताला बाप के नाम को सुनहरे हरफों से लिख करके आज पूरे मगरबी बंगाल में, शोबे बिहार में, शोबे उड़ीसा में भी कलीम ग्रुप को एक नामी हैसियत से जाना पहचाना जाता है। तो यकीनन ये लायक मुबारकबाद है कि जब नेक काम कोई करता है, अच्छा काम, तो अल्लाह उसकी मदद करता है और वो यकीनन दुनिया में भी इज़्ज़त पाता है और आखिरत में भी अल्लाह इसे इज़्ज़त अता फरमाता है। निज़ाम भाई ये हमारे साथ शरीक हो रहे हैं, हम लोग बहुत खुशी है कि सारे यूथ के लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं।